लक्ष्मी पूजन आणि सव्वत 2080 या निमित्त शेअर बाजारात दरवर्षीप्रमाणे आज संध्याकाळी 6:15 वाजता मुहूर्ताच्या सौद्याला सुरुवात झाली। राष्ट्रीय शेअर बाजाराचे व्यवस्थापकीय संचालक तसंच मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष आशिष चौहान यांच्या हस्ते आणि L&T फायनान्सचे मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष दीनानाथ दुभाषी यांच्या उपस्थितीत घंटा वाजवून मुहूर्ताच्या सौद्याला प्रारंभ झाला। बाजार सुरू होताच कारभाराच्या सुरुवातीला मुंबई शेअर बाजार निर्देशांकाने 300 तर निफ्टी निर्देशांकन 100 अंकांची उसळी घेतली। या मुहूर्त सौद्याच्या कार्यक्रमाला कलाकारही उपस्थित होते। 7:15 वाजेपर्यंत हे मुहूर्ताचे सौदे सुरू होते। ये मुहूर्त का सौदा का एक इम्पोर्टेंस है, सिंबॉलिक है कि जो पुराना साल भारतीय संस्कृति में दो बड़े बड़े कैलेंडर है, एक विक्रम संवत है और एक शक संवत है जो चैत्र महीने की पहली तारीख से शुरू होता है, और जो विक्रम संवत है वो कार्तिक मास की पहली जो तारीख होती है उससे शुरू होता है। तो ये कार्तिक मास कल से शुरू होगा, उसी की वजह से ये जो मुहूर्त का सौदा की आज जो सौदा होगा वो कल सेटल होगा, इसी की वजह से हम उसको बहुत हर्षोल्लास से मनाते भी हैं। आज जो माहौल बना है वो अगले साल के लिए तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगले 30-50 साल के लिए भारत की एक अच्छी परिस्थिति है क्योंकि यहाँ पर डेमोग्राफिक्स अच्छा है, यहाँ पे युवा वर्ग जो है ज्यादा है और अगले 30-40 साल तक हम युवा रहेंगे।